अब वो जमाना आ गया है जब बंदा मोबाइल से वीडियो बना के वायरल हो सके। एक करोड़ बंदा यूट्यूब पे था इंडिया में आज चालीस करोड़ बंदा है फॉलोअर का और पैसे का रिलेशन डायरेक्ट बहुत जगह नहीं है आपके जैसा बनना है आपकी किस्मत बहुत अच्छी है वी वॉन्ट टू बी लाइक यू अगर पैसा चाहिए तो वीडियो पर्नॉर बनो ग्रेट प्लस ऑन्टरप्रीनरशिप इस वीडियो बनो नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर अमित लेजेंड्स ऑफ़ नेशन के इस प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप जानते हैं कि हर बार हमारे साथ आते हैं एक सेलिब्रिटी और आज जो सेलिब्रिटी है वो युवा दिलों की धड़कन है और युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है हमारे साथ में है हिमेश मदान जी हिमेश सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू अमित जी और बाई आपसे मिलने के बाद ना मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे भी ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत कुछ करना पड़ेगा अरे नहीं नहीं आप तो आपसे तो इंस्पिरेशन मिल रही है मुझे आज थैंक यू <laughs> तो साथियों आज जो बात करने वाले हैं ना वो आपके विषय पर बात करने वाले हैं सर बहुत सारे लोग ना ये चाहते हैं कि भाई पहले कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब खेलोगे कूदोगे होोगे खराब ये डेफिनेशन जब तक थी जब पढ़ाई का बहुत ज्यादा महत्व था आज भी है भविष्य में भी रहेगा पर जब प्रायोरिटी पढ़ाई को लेकर थी फिर एक दौर आया जब डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू हुए जहां पर एक नई परिभाषा आई कि सोशल मीडिया इज अ टाइम किलिंग मशीन तो सोशल मीडिया टाइम किलिंग मशीन जो लोग मानते हैं या उसके बारे में जानते हैं आप सर बताएं मनी मेकिंग मशीन कैसे बन सकती है क्योंकि आप इसमें बहुत एक्सपर्ट हैं शायद इस पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे स्पीकर्स हैं जो उस समय सोशल मीडिया पर नहीं थे जिस समय से आप हैं तो सर इसके बारे में आज गाइडेंस हम आपसे लेंगे जरूर साथ साथ कैसे कोई भी एक युवा साथी अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म की जर्नी को शुरू करते हुए अच्छी अर्निंग कर सकता है इसके बारे में जानेंगे जरूर जरूर सर सबसे पहले आपके लाइफ का एक्सपीरियंस डिजिटल को लेकर और क्या गाइडलाइंस आप देना चाहते हैं जरूर अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैं तो पूरा से पूरा थैंकफुल डिजिटल को <laughs> क्योंकि मैं एक जॉब कर रहा था एज अ ट्रेनर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था तो मेरे माइंड में तो सिर्फ ये थॉट था कि जो मैं बोल रहा हूँ ये सिर्फ 200-300 लोगों को मैं एक हॉल में सुना रहा हूँ ये लाखों लोगों तक तो कैसे पहुंच सकता है सिर्फ कुछ लोगों की महीने में जिंदगी क्यों बदलनी है लाखों की कैसे बदलनी है तो उस थॉट से मेरे मैंने रिसर्च करना शुरू करा उस टाइम इंटरनेट पेनिट्रेशन जो थी वो हमारे देश में भारत में सेवन थी और यूट्यूब सिर्फ वन परसेंट थी दो में तो आप ये सोचो कि सौ में से एक बंदा जानता है यूट्यूब क्या होता है और इंटरनेट का जो कॉस्ट था वो रुपए था जी। तो मतलब लोग वो ये वो वाला दौर है जब काम है ना नेट पे आ, तो किसी भी काम काम को करने तो करो। साइबर कैफे ये ये इतने रुपए घंटे लगने हैं और हमें ये काम करवाना है आ, लेकिन कोई भी चीज में फ्यूचर भी होता है तो मैंने देखा कि यूएस में इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है इंडिया में कम है तो जो भी चीज वहां पे आज एक्टिव है चार साल पांच साल छह साल बाद यहाँ एक्टिव होगी लेकिन जब यहाँ एक्टिव होगी तो हमारे देश की जो पॉपुलेशन है जो हमारा यूथ है जी। जब वो इंटरनेट यूज करेगा तो क्या क्या होने की पॉसिबिलिटी है इस थॉट से मैंने वो तीन चार साल स्ट्रगल भी करी कि आने वाले टाइम पे इंटरनेट लोगों के हाथ में होगी लेकिन मैं अपना काम करना शुरू करूं एंड अगर अपना एक्सपीरियंस कहूं तो जो भी लाइफ कभी सोची भी नहीं थी जो चीजें जिस तरह का रिजल्ट कभी इमेजिन भी नहीं, नहीं किया था वो सब इंटरनेट की पावर से हुआ है ग्रेट। तो मैंने दो हजार बारह में मुझे याद है मैंने बुक लिखी थी तो उसके बाद लोग मुझसे पूछते हैं नेक्स्ट बुक लिख रहा हूँ लेकिन मुझे लगता है कि बुक की नीड उतनी क्या है जब डिजिटल में लोगों को देख सकते हैं सुन सकते हैं तो अभी थॉट आया मैं शाम को लोगों तक अपना आइडिया पहुंचा सकता हूं जबकि बुक में मुझे छह महीने पहले रिसर्च करना पड़ा क्या लोगों को देना है फिर ये जाएगा नहीं जाएगा फिर लोग खरीदे वर्जे सुबह सोचा शाम को लोगों की लाइफ बदल रही है तो ये तो रही बात शुरुआत की जी तो क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आए क्योंकि देखो कोई भी कोई चीज शुरू करता है ना तो चैलेंजेस उसके सामने आते ही और उन लोगों के सामने भी आएंगे जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं और शुरुआत करेंगे तो क्या चैलेंजेस आने वाले हैं अगर ये पहले से पता हो तो कहते ना, अच्छा, मुझे तो पता था, ये होने वाला है और कौन बता सकता है वो बता सकता है है चीज़ का बेस्ट गुरु right. और जहां तक मैं जानता हूं कि डिजिटल के मास्टर्स हैं आप आपने किस तरह से पूरे की जर्नी को कम्प्लीट किया है और एक टॉप अचीवमेंट हासिल किया है तो लोगों को ये भी बताएं सर प्रॉब्लम्स क्या आएंगी ऑब्स्टेकल्स क्या आएंगे कैसे उनसे सावधानियां बरतनी और कैसे आगे बढ़ते हुए कंसिस्टेंसी के साथ कुछ चीज अचीव करनी है जरूर जरूर मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं गुरु हूँ या नहीं हूँ बट हाँ एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकता हूँ बहुत सारी गलतियां करके सीखा है और हाँ। बहुत सारी अच्छी चीजें करके सीखा है वो जरूर बता सकता हूँ सो दैट लोगों का टाइम बचे जो चीज मैंने पांच साल में रियलाइज करी वो पहले दिन रियलाइज कर ले और अपने हिस्से की गलतियां करे गलतियां तो करनी ही है सबने एक चीज मुझे लगता है कि क्लैरिटी नहीं होती बहुत बार पर्पस ही होता है कि इन्फ्लुएंसर बनना है पर्पस ही होता है क्रिएटर बनना है पर्पस ही होता है यूट्यूबर बनना है लेकिन क्यों बनना है ये क्लियर नहीं होता कुछ लोगों को लगता है हाँ आजकल चल रहा है इसलिए बनना है

मिनट का वीडियो बोला इन्होंने लाखों रुपए कमा रूपए ये नहीं पता वो पांच मिनट का कंटेंट बनाने right. में कितनी रिसर्च की है Look कितना दिमाग लगाया है ah. क्या राइट कंटेंट जाना चाहिए उसके right. बारे में सब कुछ स्टडी किया है Look इसके बारे में लोग समझते नहीं, पता नहीं, नहीं पता मतलब रिसर्च कर रहे हैं एक टाइम पे आगे में लगाया चार घंटे हो गए रिसर्च करते हुए और बैठो नहीं बन रही बात और बैठो ये सब स्ट्रगल तभी हो पाती है अगर आपको आपका कारण क्लियर होता है मुझे क्यों करना है वाई क्लियर होना जरूरी है सो मेरा पहला पॉइंट होगा क्लैरिटी बहुत जरूरी है ओके मतलब क्लैरिटी हो कि हमें करना क्या है? करना किस है? किस विषय पर जाना है yes. दूसरा सर कई बार ना जो युवा साथी है ना वो पैसा कमाना चाहते हैं और आजकल जो लाइफ स्टाइल देखते हैं यूट्यूबर्स का या जो डिजिटल काम है इन्फ्लुएंसर्स का वो कहते हैं यार ये तो पचास लाख कमाता है कमाता नहीं। 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 एक करोड़ कमाता है तो मैं क्यों नहीं और उस बड़े अमाउंट की चाहत में ना वो कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं शुरुआत करते हैं पता है पहले सौ डॉलर लाने का मतलब है वो पहले सेंट में आएंगे फिर डॉलर आएगा फिर धीरे धीरे करके सौ डॉलर होने के बाद ट्रांसफर होगा तो कैसे वो अपने आप को इस चीज के लिए तैयार करे कि यस इट्स अ ब्राइट फ्यूचर बेस्ड ऑन ब्राइट फ्यूचर बट इट विल टेक सम टाइम तो क्या गाइडलाइंस आप देना चाहते हैं और उन लोगों को जो अपना करियर इसमें बनाना चाहते हैं आप कैसे उनको बताएंगे कि भाई ये अचीव किया जा सकता है और कितने समय में जरूर एक ना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज चीजों लोग मिस कर जाते हैं मैं एक एग्जांपल देता हूं कि बहुत बार मुझे ईमेल बनना है आपकी किस्मत बहुत अच्छी है वी वांट टू बी लाइक यू बहुत लोग ऐसे हर इन्फ्लुएंसर को को करते और को करते होंगे स्पीकर मेल्स हैं कि आपकी तरह बनना है कभी ये ई क्यों नहीं आती कि आपके जैसी स्ट्रगल करनी है आप अपनी तपस्या बताइए आपके जैसे रातें जागनी है उसके बारे में बताइए राइट आपकी तरह हमें प्रॉपर लाइफ बैलेंस नहीं चाहिए हम एक्सट्रीम हार्डवर्क के लिए रेडी हैं हमें हर चीज हमारे हिसाब से चाहिए और प्रेम आपके जैसा चाहिए हाँ। तो जब हम दूसरों की जर्नी जानना शुरू करेंगे ना तो हमारी नजर सिर्फ इस चीज पे नहीं रहेगी कि उसका महीने का कितना आ रहा है उसके कितने हैं हमारी इस चीज पे भी रहेगी कि, उसकी कि वो कितना एफर्ट क्या करता करता है? है क्या क्या चीजें हाँ। अगर मैं उस तपस्या से रिलेट कर पाता हूँ अगर मैं उस हार्डवर्क के लिए रेडी हूं अगर उस एफर्ट के लिए रेडी हूँ तो मैं उस रिजल्ट के लिए रेडी हूँ अगर मैं उस तपस्या के लिए रेडी नहीं हूँ तो मुझे रिजल्ट नहीं राइट सूरज की तरह चमकने के लिए

क्योंकि मैं इस बात को इसलिए समझ पाता हूँ किचन का है लोगों को आइडिया ही नहीं है सोचते वन मिलियन सब्सक्राइबर है मिलियन सब्सक्राइबर क्या कमाते होंगे उन्हें पता ही नहीं कि हम एक शोरूम चालीस पचास लाख रुपए से लेकर एक डेढ़ करोड़ तक बेचते हैं आज पूरे फोर्टी टू शोरूम पूरे इंडिया में है एक सौ पचास सारा डीलर हैं और वो कहाँ से हैं जस्ट बिकॉज द पावर ऑफ डिजिटल क्योंकि जिनको वो बिजनेस करना है जिनको उस तरह के लाइफ बिजनेस में इन्वेस्ट करना है वो फट से देखते हैं अच्छा अमित वही जिनका किचन का बिजनेस है तो जरूरी नहीं कि डायरेक्ट टर्निंग बहुत ज्यादा हो इनडायरेक्ट आपके पास क्या चीज है वो जब यूट्यूब पे आए तो उनका इंटीरियर डेकोरेशन का बिजनेस में जहां पहले वो लोगों के पास जाते थे हमें आपको सेल करना है अब उनके पास कॉल आते हैं वो कंसल्टिंग चार्ज लेते हैं जहाँ अब कॉलेजेस इंटीरियर या आर्किटेक्चर कॉलेजेस उनको बुलाते हैं कि आप हमें का right. फ्री में आपको तो कितने सारे <laughs> लोग जो बैठे right. हुए वो वर्क फोर्स एज ए राइट right. इंटर्न्स मिले हुए इसको मैं कहता हूं कि वीडियो क्रिएटर मत बनो वीडियो प्रनोर बनो ग्रेट राइट वीडियोस प्लस सर एक बार दोबारा बोले ताकि लोग लिख ले अगर वीडियो क्रिएटर बनना चाहते हैं तो हमें सोचना है फॉलोअर एंटरटेनमेंट ये सोच सकते हैं अगर पैसा चाहिए तो वीडियो बनो वीडियो प्लस इस वीडियो वीडियो को पॉइंट ऑफ बिजनेस के रूप में करके आगे बढ़े yes. क्योंकि एक स्टार्टअप है ये भी इसमें भी शुरू की स्ट्रगल आएगी इसमें भी आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वीडियो बनाना पर्पज नहीं है प्रॉब्लम सॉल्व करना पर्पज है मैं लोगों की हेल्थ में हेल्प करना चाहता हूं मैं लोगों के बिजनेस में हेल्प करना चाहता हूं मैं लोगों का गुस्सा कम कराना चाहता हूं मैं उनका लाइफ स्टाइल बेटर करना चाहता हूँ मैं उनको फिजिक्स सिखाना चाहता हूँ मैथ सिखाना चाहता हूँ वॉट प्रॉब्लम वी आर सॉल्विंग ये बहुत जरूरी है ग्रेट हाँ। तो सर कुछ स्टेप्स ऐसे जरूर बताएं कि भाई ये बात हमने समझ ली कि भाई हमें किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रूप में काम करना हाँ। है और अपने पैशन को लगातार बनाए रखना है कंसिस्टेंसी हाँ। से काम करना है अब एक पर्सन का एक प्रश्न है कि सर आज ना कंपटीशन बहुत ज्यादा है हाँ। तो ऐसे में मेरे पास एडवांस गैजेट होने चाहिए चार पाँच लाख का मेरे पास कैमरा होना चाहिए पचास पचास हज़ार रुपये के माइक हैं लाखों रुपए की लाइट्स हैं तो एक बंदा शुरू कैसे करे एक स्टार्टअप की हम बात कर रहे हैं और जब भी हम स्टार्टअप की बात कर सीड कैपिटल की बात करते हैं तो लोगों के मन में एक कंफ्यूजन आती है कि यार अब वो ट्रेंड चला गया जब बंदा मोबाइल से वीडियो बना के वायरल हो जाता था आप थोड़ा इसमें गाइड करें कि फर्स्ट स्टेप क्या हो फिर नेक्स्ट स्टेप कब जाएं, फिर नेक्स्ट स्टेप कब जाएं और आगे कैसे बढ़े मेरा इस पर ऑपोजिट थाट है जी। अब वो जमाना आ गया है जब बंदा मोबाइल से वीडियो बना के वायरल हो सकता है <laughs> आस्क मी बिकॉज़ 2012 में ऐसे में ऐसे मोबाइल कैमरा ही नहीं था ये आपने बहुत बढ़िया बात कही है दोस्तों उस समय पे ऐसे कैमरास ही नहीं थे जो कैमरा का पिक्सल क्वालिटी थी इतना घटिया था जो कि उस समय का बेस्ट था मतलब उस टाइम हम कहते थे या, क्या यार फोटो क्लिक रहे। कर रहे हैं और मोबाइल <laughs> में आ रही है तो बहुत अच्छी बात आपने बताई तो वो वीडियोस हम डाल ही नहीं सकते थे यूट्यूब पे इनफैक्ट uh, तब एडिटिंग की नॉलेज नहीं होती थी एडिटिंग फोन में हो ही नहीं सकती थी नहीं। Adobe का सॉफ्टवेयर मुझे सीखना पड़ा था पूरा मैं एडिटर नहीं हूं एक स्पीकर था ट्रेनर था और मुझे पूरा एडोबी स्वीट सीखना पड़ा क्योंकि ना पैसे थे उस टाइम पे एडिटर्स हायर करने के और ना फोन में इजी एडिटिंग होती थी ना कोई ऐप होती थी तो यूट्यूब का अगर आप जाके देखोगे ना इंटरफेस अब आपको एनालिटिक्स मिलते आपका बंदा कहाँ वीडियो छोड़ के गया कहां से आया

अगर नेगेटिव सोचेंगे तो बहुत कंपटीशन है मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि कोई भी पर्सन चाहे तो उसके पास मोबाइल फोन है स्मार्टफोन है यस। वही सिंपल मोबाइल का जो लीड है उससे काम कर सकता है घर की जो नॉर्मल लाइट है वहां से शुरुआत कर सकता है बिल्कुल बल्ब लगाकर ट्यूब लगाकर और जैसे जैसे ऐसे कंसिस्टेंसी से काम करता रहेगा तो ग्रोथ मिलती रहेगी राइट लाइट भी नहीं चाहिए घर में खिड़की होती है हाँ। खिड़की के आगे हल्का सा पर्दा कर दो ताकि लाइट बहुत ज्यादा ना पड़े कलर कलर बता वाइट लगा right. लगा या या येलो अगर ट्रांसपेरेंट सा कोई <laughs> कपड़ा वाला कलर लग जाए हल्की सी शीट लग जाए तो लाइट बड़ी प्यारी फिल्टर होके आती है और जो नेचुरल लाइट में वीडियो क्वालिटी आती है ना उसका कंपेरिजन तो हम जो स्टूडियो में रिकॉर्ड करते हैं उससे भी नहीं कर सकते कोई भी बॉलीवुड हॉलीवुड के डायरेक्टर्स भी इस चीज को कहते हैं कि नेचुरल लाइट

उसने परफेक्ट सिचुएशन की वेट नहीं करी उसने राइट कैमरा राइट लाइट राइट ऑडियो राइट वॉइस की वेट नहीं करी उसने शुरुआत करी, कंटेंट डिलीवर किया बस। जो उसने स्टार्ट किया अगर वो स्टार्ट करने के परफेक्ट टाइम की वेट करता

So, अंकित इस टाइम पे वायरल है राइट हुँ. लेकिन क्या उसके पास डीएसएलआर से उसने वीडियोस बनाई है। क्या उसने फोन से बना है। करी है आपका आपकी पे बैठा है, चार पाई से वायरल हो रहे हैं अब आपको वही एग्जांपल नजर आएगी जो डीएसएलआर से हो रहा है क्योंकि आपका माइंड का ही ढूंढ रहा है मुझे क्यों नहीं करना द मोमेंट आप सोच लोगे मुझे करना है आपको हर एग्जांपल नजर आएगी यार इसकी तो वॉइस इतनी अच्छी नहीं है तब्बीस की वीडियो चल रही है इसके पास तो डीएसएल नहीं है सो so, आपके माइंड की यही पावर है कि आप नहीं करना चाहोगे ना हजार कारण देगा और आप करना चाहोगे ना तो उसी स्क्रोल में आपको रीजन मिल जाएगा भाई मुझे तो कल ही शुरू करना है ग्रेट तो 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 ये तो रही शुरुआत करने की बात दोस्तों आप आप फर्स्ट फर्स्ट स्टेप स्टेप उठाएं जब उठाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप रखने की जगह भी मिलेगी और आपको वो लोग भी मिलेंगे जो बताएंगे कि नेक्स्ट स्टेप कैसे रखना रखे हिमेश सर ये तो बात रही डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में एक बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और ये बात स्पेशली मैं अपने बच्चों की तरफ से आपसे पूछ रहा जरूर उन्होंने कहा डैडी जब भी आप सर से मिले ना तो उनसे ये क्वेश्चन पूछना जब हम छोटे थे, थे, थे। आपके तो तो पास तो इतना बड़ा आंसर घर पे है <laughs> मुझे तो उन्होंने हर तरह से देख लिया ना बड़ा बड़ी उम्र का भी देख लिया फिर ट्रांसफॉर्मेशन में भी देख लिया लेकिन इनको तो हमने कभी बड़े होते हुए नहीं देखा ना वही कॉलेज स्टूडेंट टाइप थे जब हम फिफ्थ फोर्थ क्लास में तब भी वैसे ही थे हम कॉलेज में आ गए वो तब भी ऐसे ही है शायद हम कॉलेज से पार करके बिजनेस में आ जाएंगे प्रोफेशन में आ जाएंगे वो तब भी जवान रहेंगे तो मैंने कहा बेटा पहली बात तो मैं बताता हूँ टी एस मदान साहब और जो मैम है साथ में पहली बात वो बहुत अच्छी रेसिपी वगैरह बनाती हैं दूसरा एक पॉजिटिव एटमोस्फेयर घर का वैसे ही है सभी मोटिवेशन स्पीकर हैं सभी कोचेज हैं सभी इन्फ्लुएंसर हैं तो जब हम किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोई वीडियो बनाते हैं तो माहौल वैसा हो ही जाता है ये तो रहा जो मैंने समझाया उनको समझाने के लिए कि भाई ये ये बातें ये समझ लो लेकिन वो सुनना चाहते हैं आप बताओ कि सर यंग कैसे रहा जाए मेरा एक्सपीरियंस अगेन शेयर कर सकता हूँ दो चीजें होती है सिर्फ बॉडी नहीं है माइंड एंड बॉडी है राइट माइंड right? क्योंकि एज अ ट्रेनर एज अ कोच हमारे पास भगवान की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हम सिखाने से पहले सीखते हैं कुछ भी अगर किसी को सिखाना पहले सेल्फ प्रैक्टिस तो करते हैं दस किताबें पढ़ेंगे तो शायद घंटे का सेशन रेडी होता है तो दस किताबों से हमने सीखा तो माइंड तो हमेशा करनी है और कैसे प्रोडक्टिव होना है तो वो डिस्कशन हमेशा ऑन रहती है जिस वजह से बहुत एक नेचुरल सा हमारा सिस्टम ऐसा बन जाता है तो यहाँ पे एक मैसेज सबके लिए हो सकता है आपका एनवायरनमेंट तो जरूरी नहीं है आपके घर में सारे मेंबर्स ग्रोथ की बातें कर रहे हैं लेकिन आप अपना एनवायरनमेंट खुद के साथ बना सकते हो इस तरह की वीडियोस देख के, इस तरह की चीजें इस तरह की बुक्स पढ़ के फॉर श्योर आपको पता है लेकिन ये ऑडियंस के लिए मैं जरूर बता दूंगा अगर पता भी होगा तो रिमाइंडर हो जाएगा माइंड तब चेंज होगा पहली चीज हमें अपने थॉट्स तो पे काम करना होगा अगर हम थॉट्स को ऑब्जर्व करें तो दिन में कई बार हम नोटिस करेंगे हमारा डोमिनेंट थॉट थॉट मतलब जो हर वक्त रहता है वो एक ग्रोइंग वाला है या नेगेटिव वाला है मैं ज्यादा अपने आप को कोसता हूं ज्यादा गुस्सा रहता हूं खुद से ज्यादा लोगों में कमियां नजर आती हैं सड़क पे ज्यादा कमियां नजर आ रही हैं तो मेरा डोमिनेंट थॉट ग्रोइंग नहीं है नेगेटिव ने, 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 वाला है नेगेटिव वाला है राइट तो पहले तो थॉट लेवल पे अपने आप को ठीक करना हो टेस्ट करने का तरीका आपने बताई दिया कि एक दिन का शेड्यूल आप देख लें तो आइडिया हो जाएगा ऑब्जर्व कर लो आप अपनी फीड देख लो आपको नजर आ जाएगा आप क्या देख रहे हो किस तरह के लोग पसंद <laughs> कहते कर ना वो को भी पता है कि भाई जिस yes. तरह के के स्क्रॉल आप करके देख रहे हैं रहे। वो आपको आपको उसी टॉपिक पर वीडियो रहे। दिखाएगा राइट राइट सेंसेशन सुन मजा आता है कि उसका बिजनेस डूब गया उसका फेयर चल गया तो आपका ग्रोथ माइंडसेट नहीं है तो ग्रोथ एक्सपेक्ट मत करो आपको किसी की लंबी गाड़ी देख के जेलसी होती है तो आपके पास लंबी गाड़ी नहीं आएगी आपको खुशी होनी चाहिए खुशी होनी चाहिए ये मैं भी लेके इसने मेहनत करी है मैं भी मेहनत करके ऐसे लाऊंगा सेकेंड हमारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये सिर्फ मैं नहीं कहता हर रिलीजन कहता है श्री भगवत गीता में लिखा है सागति बाबा जैसे आपके थॉट्स और वर्ड्स होंगे वैसे लाइफ होगी श्री गुरु ग्रंथ जी में लिखा है जैसो सेव्यो तैसो पाए बाइबल में लिखा है द वे वन सो ही गेट्स कुरान में भी दुआ को बहुत ताकतवर माना जाता है कि क्या आप मांग रहे हो क्या कई बार बोल देता है ना कि भाई इसको दवा के नहीं इसको दुआ, की जरूरत है और हम बिजनेस में भी देखते हैं जिसकी जुबान पे मंदा रहता है उसके धंधे में मंदा रहता है राइट और जो कहता है बहुत बढ़िया जो प्रॉब्लम आई है मेरे फेवर में है फिर मुझे तो मुझे तो एक हैबिट है कई बार जैसे फ्रेंड सर्कल में कहीं मिलते हैं कोई नया बंदा मिला अगर और भाई साहब कैसे हैं रहे जी कट रही है कहा डिलीट करो उसका नंबर हटाओ यार right. काम का नहीं। इसकी जिंदगी कट रही है ये कैसे आगे बढ़ेगा right. ऐसे लोगों को तो तो तुम भी काट दो ah. अपनी में से यस yes, यस yes. तो मैं कहा उन ना बहुत बढ़िया प्रोग्रेसिव है और बढ़िया कर रही है और बढ़िया करेंगे बॉडी लैंग्वेज मुझे लगता है, बस रहा है वो लोग yes, yes. तो बहुत जरूरी है क्योंकि एक सिंपल एग्जांपल एग्जाम्पल तो दो लीडर्स मिलते हैं जब कंट्री के आपस में जब हम देखते हैं G20 हो रहा है, जी. तो क्या हमेशा चार्ज होती है, है, है. होती है, होती है. किसी भी टॉप स्पीकर टॉप लीडर टॉप कोच टॉप पॉलिटिशियन को आप देखोगे उन्होंने अपनी बॉडी पे काम किया स्पेशली स्पोर्ट्स क्रिकेट में फुटबॉल में सिखाया जाता है कि आपकी बॉडी उस वक्त आपके

कि जो कंपटीशन है वो मैदान में नहीं जीता जाता मैदान से पहले जीता जाता पहले जीता, था। जीता था। मैं इसका ना एक इंसिडेंट एक आपको शेयर करता हूँ <laughs> मेरा बेटा ना छोटा था फिफ्थ सिक्स क्लास में था तो अब बच्चा होता है उसको जो समझा दो वही समझ आ, में आ जाता है जैसे बोल दो कि हाँ बेटा मामा का घर बहुत दूर है तो उसको लगता है हाँ सच में बहुत दूर है क्योंकि तो गाड़ी से जाते हैं बहुत आ, दूर है चाहे वो दिल्ली में पीतमपुरा से रोहिणी क्यों ना हो है ना तो मैंने ना वो जुड़ उसने मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया तो मार्शल आर्ट सीख रहा था तो एक दो बार इंजरी भी हो गई उस समझा रेडी मैं करूंगा नहीं क्योंकि चोट लग जाती है मैंने कहा बेटा चोट लगती है फिर उसके बाद आप और पावरफुल बनते हैं तो उसको समझ में आ गया अगर चोट लगेगी इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप ज्यादा अच्छा होगा मैंने ऑब्जर्व कर लिया कि हाँ ये बंदा ठीक तरीके से मेरी बात को समझ रहा है तो बोला कि डैडी मेरे को ना मैंने कहा मेरे पास ना एक ब्रह्मास्त्र है गेम जीतने का उसने कहा क्या मन का जब भी तू रिंग में जाए ना खेलने तो अपने मन में एक डायलॉग बोलियो तो सामने वाले व्यक्ति की शक्ति तेरे अंदर आ जाएगी उसको ये रियलाइज करा दिया है मैंने मैंने कहा क्या करना है कि मन में बोलना है when I am the run, only I am the जैसे तू ये बात बोलेगा तीन बार तीसरी बार तीसरी बोलते ही उसकी आदि शक्ति तेरे अंदर आ जाएगी और जब तू फाइट करेगा ना वो हंड्रेड परसेंट उससे हारे हारेगा ही बिलीव में ऐसे मतलब इंस्टॉल कर लिया कि वो फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल लेके आया फिर सेवंथ एट्थ क्लास में गोल्ड मेडल फिर एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल फिर उसके बाद इंटरनेशनल जो मलेशिया सिंगापुर थाईलैंड जितने भी कॉम्पिटिशन से फाइट किए सभी में सब जगह गोल्ड मेडल आया और वो अब करते करते जो जूनियर थे जूनियर से जो नेक्स्ट कैटेगरी उसमें उसमें आया उसमें भी गोल्ड मेडलिस्ट तो ऑल <laughs> टाइम <ताँग> गोल्ड मेडलिस्ट हो <laughs> <वो> रहा <laughs> उसने अपने माइंड में ही फीड कर लिया अच्छा बड़ा हो गया मैं समझा जैसे बहुत सारे लोगों को ये बात समझाएंगे ना <laughs> उन्हें समझ नहीं आएगी <laughs> उन्हें कहा ऐसे थोड़ी होता है वेन यू आर रिंग यू आर द किंग लेकिन उसके बिलीफ सिस्टम में ये फीड हो गया कि नहीं ये एक ताकत है जैसे वो महाभारत में एक योद्धा था ना कि भाई सामने वाले नहीं रामायण में थे कौन बाली और सुग्रीव कि जब उससे कोई फाइट करता है तो उसकी आदि शक्ति उसके अंदर आ जाती है तो ये मैंने उसको रामायण से कोरिलेट करके बताया और उसको बिलीव हो गया इस बात पर <laughs> बहुत तो का ये बड़ा अच्छा मैंने <laughs> <अग्जांपल laughs> मैंने रियल लाइफ में आगा। आगा। देखा है और मैंने भी किया इसका प्रैक्टिकल इतना मोटा पेट सैतालीस इंच की कमर है इतना मोटा पेट और मैं जिम में कह रहा हूं सिक्स पैक एब्स तो मुझे तो फोटो दिख रही है सिक्स पैक एब की बस वो दुनिया को दिखानी है ना तो वो बिलीव सिस्टम के जरिए ही मैं लगातार करता गया करता गया और ग्यारह महीने में जाके सिक्स पैक अचीव किया तो दोस्तों दूसरा जो काम आपको कर रहा है अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करना है माइंड सेट चेंज करना है अपने थॉट्स थॉट्स चेंज करने हैं सर थर्ड थर्ड हो हो गया गया आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका बिलीफ सिस्टम एंड ये इसलिए जरूरी है कि अगर हम अकेले लगे होते हैं ना तो हमें बहुत विल पावर चाहिए राइट हमारे आसपास सब मान लो एग्जांपल सब चिप्स खा रहे हैं और मुझे बॉइल्ड फूड खाना है खा तो लूंगा लेकिन इस सब में मेरी विल पावर बहुत लगेगी मेरा फेवरेट खाना कोई और खा रहा है और मैं बॉइल्ड खा रहा हूँ तो अगर हम अपने एनवायरनमेंट में जितना काम कर ले उससे हमारी विल पावर बच जाती है उसको हम प्रोडक्टिव कर सकते हैं अगर मेरे सारे दोस्त ऐसे हैं कि छोड़ यार ग्रोथ में क्या रखा छोड़ माया तो बेकार है फिर अपने आगे बढ़ना तो यहाँ पे बहुत सारी एग्जाम्पल जैसे जब पेपैल बना था तो पेपैल की जो लीडरशिप टीम थी उसमें इलॉन मस्क थे पीटर थी थे और कई लोग थे कई सारे लोग थे जब पेपैल बिक गया सबने

आप किस तरह की चीजें पढ़ रहे हो किस तरह की बातें कर रहे हो आपके दोस्त कैसे हैं ये आपकी विल पावर सारी प्रोडक्टिव कर देगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मतलब मैंने इसका रिजल्ट हमेशा देखा है कि मैंने अपनी कंपनी अपने इन्वायरमेंट को वैसा रखा है जिनसे मैं सीखता रहूं जो इंस्पायर करते रहे और उससे मुझे ग्रोथ मिलती मैं है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पहले मेरे सर्कल में ना सारे बनिए तो हम हैं मतलब तो लाला जी लोग थे सारे ये लाला जी वो लाला जी गुप्ता जी अग्रवाल जी बंसल जी तायल जी जिंदल जी और हम शाम को मिलते थे तो पता क्या खाते थे यार आलू की कचोड़िया मंगा लो यार छोले भूटरे मंगा लो बर्गर पिज्जा नहीं लेकिन फिर आ, भी खाते रहे उसी तरह का थे ना धीरे धीरे जब मैं ट्रांसफॉर्म होना शुरू किया मेरा दो घंटे तीन घंटे जिम में जाना शुरू हुआ तो जो सर्कल के लोग थे वो बॉडी बिल्डर थे यार आज तो हम बॉइल्ड वेजी खाएंगे आ, आज तो हम बॉइल्ड एग खाएंगे आज तो यार ये खा लेते हैं वेजिटेबल सैंडविच खा लेते हैं तो धीरे 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 सर्कल चेंज हुआ तो डाइट शेड्यूल चेंज हुआ और उसका इम्पैक्ट आने लगा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जैसे माहौल में आप रहेंगे ना

दो तो हजार तक मेरी बॉडी नॉर्मल थी ना ओवरवेट था ना अंडरवेट था हल्का फुल्का कभी पेट निकल आया कभी अंदर चला गया इतना ही जो नॉर्मल होता, जैसे होता है।, है।, है तो मेरे को कोई नीड नहीं थी फिटनेस के अंदर जाने की जिम जाने की जिम को समझने की मेटाबॉलिज्म एक्टिव था डाइजेशन हाँ। अच्छी थी तो जरूरत नहीं है बहुत बार हमें लगता है हमारी फिजिकल बॉडी नॉर्मल है तो हमें फिटनेस की जरूरत नहीं है बट हमारे अंदर आलस होता है हमारी प्रोडक्टिविटी कम होती है और कहीं ना कहीं हमारी बॉडी डिके हो रही होती है

दो तीन साल हुए थे तो उसने कहा दिस इज माय प्लान फाइनल अगर मैं कर पाई ठीक है वरना नहीं।, नहीं आज के बाद ट्राई नहीं करना कि ठीक है भगवान ने ऐसे ही बनाया है तो मैंने कहा ठीक है कब से करना है उसने कहा 17 अप्रैल 2017 तीन चार दिन बचे थे करना है शुरू अब मैंने कहा कि मैं भी साथ करूंगा तो उसने कहा आपको तो जरूरत ही नहीं है क्या तो करोगे पहले फिट हो मैं क्या मैं भी इस जो भी मेरी बॉडी के लिए ठीक होगा कुछ तो होगा ही मैं भी तेरे जैसा खाना खा लूंगा क्वान्टिटीज का फर्क होगा हमारी मैं <laughs> मैं भी सब सेम करूंगा ठीक है आर यू श्योर शायद घर में दो ही लोग हैं दोनों कर रहे होंगे तो हिम्मत बनी रहेगी इस बार टूटेगा नहीं तो मेरा सिर्फ इतना कारण है तो तुझे कंपनी देनी एंड आई डोंट माइंड अगर मेरी हेल्थ थोड़ी भी बेटर हो जाए इंटरेस्ट तो है ही मेरा जरूरत नहीं लग रही इंटरेस्ट है उसने कहा ट्वेंटी अप्रैल हमारी एनिवर्सरी है अच्छा और एनिवर्सरी पे हम कहीं बाहर जाते हैं और अगर हम डाइट कर रहे होंगे तो एनिवर्सरी के बाद करें कि पहले करें अगर आप कहते हो तो एनिवर्सरी की बात कर लेते हैं आई एम रेडी मैं कहते हैं आई एम ऑल्सो रेडी हम ऐसी डेस्टिनेशन चूज करेंगे जो बाय रोड जा सके जहां पे हम घर का खाना फ्रीज करके ले जाएं और होटल में खा सके so, लॉन्ग स्टोरी उसको शॉर्ट करता हूँ कि मैंने उसके साथ वो प्लान शुरू कर दिया फॉर थ्री ऑलमोस्ट सिमिलर लंच डिनर सुबह फिक्स था लंच मेरा पालक पनीर था नब्बे दिन मैंने पालक पनीर ही खाया है विदाउट राइस विदाउट रोटी ओनली पालक पनीर नब्बे दिन मेरा लंच था लेकिन उस तीन महीने में अमित जी रियलाइज हुआ कि मेरी एनर्जी कितनी बड़ी है जी। मैं काम कैसे कर पा रहा हूं मेरी क्लैरिटी ऑफ थॉट कितनी बड़ी है मेरी प्रोडक्टिविटी टीम के साथ रिलेशन कितना इंप्रूव हुआ है मेरे आउटपुट बिजनेस में रेवेन्यू में व्यूज में सब्सक्राइबर्स में वो तीन महीने में मल्टीप्लीकेशन इफेक्ट नजर आ रहा था जी। तो वहां से क्लैरिटी हुई कि कितना बड़ा कनेक्शन है हमारी बॉडी और माइंड बिल्कुल ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसके बाद मेरा ऑब्सेशन बन गया कि अपनी बॉडी पे फिटनेस पे काम करते रहना है डाइट को ऐसा रखना है क्योंकि मैम मुझे काम करने का शौक है और अगर खाना मेरे काम में हेल्प कर रहा है तो मैं ऐसा खाना क्यों खाऊं जो मेरे काम का नुकसान करे बिल्कुल ठीक बात है सो दैट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस के अगर आपकी बॉडी को नीड नहीं भी लग रही तब भी आपका लाइफस्टाइल हेल्दी होना चाहिए तो फिटनेस आपकी जरूरी नेचुरली आप अपग्रेड नहीं हो रहे तो डिग्रेड तो हो ही रहा है बॉडी तो रेगुलर आपकी डिग्रेड होती जा रही है हो सकता है आपको अभी महसूस नहीं हो रहा लेकिन कुछ टाइम बाद आपको लगने लग जाएगा कि हाँ डिग्रेड हो रही है ये तो है आपको शायद ये बात अतिशोक्ति लगेगी आज मैं उन्हीं दोस्तों के साथ जब बैठता हूँ ना तो गॉड ऐसा लगता है कि उनमें से जो एक आधा सीनियर है कई बार उनके मुँह से बेटे निकल भी जाता है <laughs> मैं एक संस्था में हूँ महाराजा अग्रसेन समाज की एक संस्था है अग्रवाल समाज की तो संस्था में मैं भी सदस्य हूँ क्योंकि महाराजा अग्रसेन की संस्था उस संस्था में मतलब सारे बनी है अग्रवाल भी हैं वैश्य भी हैं माहेश्वरी भी हैं जैन भी हैं काफ़ी सारे लोग हैं पिछले आठ साल से मैं उस संस्था का सदस्य हूँ हर बार ऐसे होता है कि माहेश्वरी जी माहेश्वरी जी या भाई साहब या बाबू जी उसको पहली बार ही मिले थे बेटे आपके पापा सदस्य हैं क्या अरे जी मैं वो बोले अरे क्या बात कर रहा हूँ माहेश्वरी जी ये खुद सदस्य है अच्छा अच्छा युवाओं की भी जरूरत है युवा नहीं सर आपके बराबर ही हूँ मैं मैं भी सीनियर सिटीजन पे पहुंचने वाला हूँ थोड़े बहुत तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं एटमॉस्फेयर चेंज होगा तो सब कुछ होगा और मैंने इसको तो प्रैक्टिकल किया है तो वाइफ को डाइट फूड और बाकी बच्चे खा रहे हैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके का खाना तो धीरे धीरे बच्चों ने खाना शुरू किया आज मेरी फैमिली में पांचों पांचों इंक्लूडिंग माय मदर छे के छे लोग लगभग आपको एक जैसे दिखाई देंगे क्या बात है ये फोटो भी मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में

वो हमें डिजिटल को बताया है। <laughs> तो सर ये बहुत अच्छी, आ, बहुत अच्छा आपने दिया। आपके काफी सारे डिजिटल कैसे होते हैं और किस तरह से आपके कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है ये जरूर बताएं ताकि बहुत सारे लोग जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं वो केवल देख के ना रह जाएं लगातार लर्निंग करते रहें उसके बारे में जरूर बताएं जरूर सो पहली चीज के मेरी मैक्सिमम कंटेंट बहुत सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री है यूट्यूब पे है इंस्टाग्राम पे है और इनफैक्ट मैं कहूंगा कि मेरा सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा राइट right? आपको यूट्यूब चैनल पे हर तरह के टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगी कोर्सेज का या कोचिंग का जो पर्पस है वो ये है कि अगर वीडियो से आपने बेनिफिट लिया आपको नजर आ रहा है ये चीज आपके लिए काम है, है अब आप हैंड होल्डिंग चाह रहे हो या वन टू वन चाह रहे हो या आप एक स्ट्रक्चर ट्रेनिंग चाह रहे हो कि मैं इस फील्ड में हूं अब मेरी जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन बहुत स्पेसिफिक है मेरे लिए इम्पोर्टेंट है बिल्कुल एक सब्जेक्ट स्पेसिफाइड हो गया कि अब मैं इस फील्ड में आपकी हेल्प चाहता हूँ इस फील्ड में जनरल नहीं हो रही उस केस में, welcome, आप मेरी पे जा सकते हैं आई एम सक्सेस डॉट नेट पे जा सकते हैं जो हमारी वेबसाइट है बाकी आपको सारे के सारे लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे भी मिलने वाले हैं कि आप हिमेश सर को कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कैसे बात कर सकते हैं कैसे उनकी मेंटोरशिप के अंतर्गत अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पूरे विश्व में छा सकते हैं और बहुत अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं और ये क्योंकि क्योंकि ज्यादा मजा इस चीज का का आता है है वही लगता है कि अगर मैंने किसी चीज को दस साल दिए हाँ। अगर कोई उसको एक से दो साल में कर सकता है तो मैं वो सब शेयर करूं जी की वो अपने हिस्से के अचीवमेंट्स और अपने हिस्से की जर्नी जल्दी कवर करे देखो गुरु चाणक्य ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि यदि सारा जीवन मेहनत करके अनुभव करके सीखने पर लगाओगे तो एक जीवन कम पड़ जाएगा सही तरीका क्या है जिस व्यक्ति ने जिस विषय में महारत हासिल की है ना उसने महारत हासिल करने में अनेकों वर्ष लगाए हैं उससे मिलो उसके अनेकों वर्ष का रहस्य उसे कुछ ही दिन में जान लो ये जब मैंने मैंने जिस भी चीज में किया मैंने सोचा कि इस इंडस्ट्री का एक्सपर्ट कौन है उससे बात करो उसने जो एक्सपीरियंस किया एज इट इज बाय कर लो ना या उनकी सानिध्य में चले जाओ वो आपको बताएगा तो दोस्तों जो भी चीज आप सीखना चाहते हैं समझना चाहते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हेमें सर को ज़रूर कॉन्टैक्ट करें आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी और आपके हर वो सपने पूरे होंगे जो आप हासिल करना चाहते हैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और मेरे सभी व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स की तरफ से आपका हमें सर बहुत बहुत हृदय की गारंटी से धन्यवाद थैंक यू सो मच बहुत अच्छा लगा मुझे आगे और बहुत अच्छी एनर्जी <laughs> एक्सचेंज हुई सो so, मैं भी बहुत सारी इंस्पिरेशन लेके जा रहा हूँ आपसे थैंक यू मैं सबसे पहले तो आपके फादर साहब से इंस्पायर्ड हूँ जब भी मैं मैंने मैंने पिछले हमारा इंटरव्यू हुआ था उनसे बात हुई मेरी

हर वर्ड जो वो कहते हैं वो अपनी जिंदगी में उसको जीते हैं आजकल तो बहुत प्यारी रील्स बना रहे हैं <laughs> भाई जैसे मैम के साथ में रील आ, बनाते हैं ठीक है भाई प्यार की बातें हैं खाने की बातें हैं डाइट की बातें हैं और हर हर एक वीडियो में ना कुछ ना कुछ अच्छी लर्निंग होती है जिससे कोई भी आदमी अगर सही से समझे आ, तो लाइफ को बदल सकता है बिल्कुल बिल्कुल आप पूरी फैमिली हमारे देश के लिए बहुमूल्य रत्न है क्योंकि आप सभी को हर वर्ग के हर व्यक्ति को इंस्पायर कर रहे हैं थैंक यू सो मच अमित जी मीन थैंक यू सो मच थैंक्स टू यू थैंक यू